सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फोन में ये तीन एंटीवायरस ऐप जरूर इंस्टॉल होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ बैंक फ्रॉड की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आज के दौर में हर यूजर स्मार्टफोन में बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करता है। गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसी सर्विसेज आमतौर पर इस्तेमाल होती है। ऐसे में स्कैमर मोबाइल फोन को टारगेट करके बड़े बैंक फ्रॉड अंजाम दे रहे हैं। इसलिए हम आपको तीन बेस्ट एंटीवायरस ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। हर एक स्मार्टफोन यूजर को फोन में इन एंटीवायरस ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए, वरना आपको काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से तीन बेस्ट एंटीवायरस ऐप हैं जो आपके मोबाइल को काफी सिक्योर बनाते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं प्रोग्ञान। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपका हमारी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए जानते हैं वो कौन से तीन बेस्ट एंटीवायरस ऐप हैं जो आपके मोबाइल को सिक्योर बनाते हैं। नंबर तीन पर आता है अवीरा सिक्योरिटी एंटीवायरस। ये एंटीवायरस ऑटोमेटिकली आपके मालवेयर को चेक करके ऐप को सिक्योर बनाता है। ये एंटीवायरस डिवाइस को बाहर के हमलों से बचाने का काम करता है। साथ ही ये एंटीवायरस जानकारी देता है कि आखिर कौन सा ऐप आपकी बिना इजाजत आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं। एंटीवायरस की खासियत की अगर हम बात करें, इस एंटीवायरस की ये खासियत है कि जब भी फोन में कोई ऐप इंस्टॉल किया जाता है तो एंटीवायरस इस डाउनलोडेड ऐप की दोबारा चेकिंग करता है। इसका फ्री वर्जन पेड वर्जन की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि पेड वर्जन में आपको ऐड देखने को नहीं मिलती है। तो इनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर दो पर आता है बिट डिफाइंडर एंटीवायरस। इस एंटीवायरस को आप कंट्रोल कर सकते हैं कौन कौन सी चीजों को स्कैन करना है, कौन कौन सी नहीं। मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि एंटीवायरस एसडी कार्ड को वायरस हमलों से स्कैन करें या नहीं। जब एक बार स्कैनिंग पूरी हो जाती है तो एंटीवायरस उस ऐप के इंस्टॉल और अपडेट को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है जो यूजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो आपकी स्क्रीन पर उसका अलर्ट भी आएगा। यह एंटीवायरस क्लाउड सपोर्ट के साथ आता है। ऐसे में यह एंटीवायरस काफी लाइटवेट होता है। ये डिवाइस में वायरस के सिग्नेचर को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल नहीं करता है। नंबर एक पर आता है एवीजी एंटीवायरस। ये पहला एंटीवायरस है जिसने गूगल प्ले स्टोर पर 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड के आंकड़े को पार कर लिया है। ये एंटीवायरस एंड्रॉइड यूजर के लिए ही अवेलेबल है। ये आपके डिवाइस को स्पाइवेयर, अनसेफ एप्स, वायरस मालवेयर और हमलों से बचाता है। ये डिवाइस की स्टोर फाइल की सिक्योरिटी को चेक करता है, साथ ही मालवेयर ऐप की पहचान करता है। तो आज के लिए इतना ही, इन सभी के लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।